अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ अक्सर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इस कॉलेज के साथ कौन से हॉस्पिटल्स एफिलिएटेड हैं और इसका रैंक क्या है, और इसके बॉयज़ हॉस्टल जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनकी पिक्स हम देखेंगे, और गर्ल्स हॉस्टल भी मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। और इसके अलावा ये जो आप पेज देख रहे हैं इसमें कुछ वैकेंट सीट्स हैं जो डिफरेंट कॉलेज़ में बच्चे पढ़ते हैं वो इस कॉलेज में आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर MBBS की जो एक सीट है वैकेंट किसी भी कॉलेज से जो UHS और PMC के अंडर है, जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है वो UHS और PMC के अंडर भी होना चाहिए, तो वो बच्चा अक्सर सईद मेडिकल डेंटल कॉलेज में आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर MBBS की जो एक सीट वैकेंट है और सेकेंड ईयर MBBS की एक सीट वैकेंट है और थर्ड ईयर MBBS की भी एक सीट वैकेंट है। कोई भी बच्चा किसी और कॉलेज से इस कॉलेज में आ सकता है, और फोर्थ ईयर MBBS की 10 सीट्स वैकेंट हैं, और फर्स्ट ईयर BDS की एक सीट वैकेंट है, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर BDS की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, जबकि फोर्थ ईयर BDS की 4 सीट्स इसमें वैकेंट हैं। और आप ये देख रहे हैं कि अक्सर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैज़ बीन प्लेस्ड इन A+ कैटेगरी बाई पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, और आगे कह रहे हैं कि AMDC आल्सो गॉट मैक्सिमम पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ये भी सच है कि इस कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में काफ़ी पोजीशंस हासिल की हैं, और ये A+ कैटेगरी में रखा गया कॉलेज, ठीक है, तो ये ओवरऑल अच्छा कॉलेज है। और अब हम देखते हैं इसकी ये लोकेशन है इसकी, सॉरी ये इसकी मतलब बिल्डिंग है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये MBBS की बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके अपोजिट साइड पे इसकी BDS की बिल्डिंग है, ये सारा जो जो है ना ये इसकी बिल्डिंग है, और ये जो फ्रंट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये अक्सर जो हम पिक्स लेते हैं जब फाइनल ईयर वाले या हर प्रॉफ के आखिर पे, तो इधर इस स्टेयर्स पे आके पिक्स लेते हैं, ये बैकग्राउंड बहुत प्यारा आता है, ठीक है, पीछे ये नाम आ जाता है और नीचे ये शीशा सारा, तो ये इसकी बिल्डिंग है। और अब हम देखते हैं कि इसके जो हॉस्टल्स हैं ये, ठीक है, ये गर्ल हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना ये गर्ल्स हॉस्टल है, ओपन हो गया एक सेकेंड, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये भी कॉलेज के साथ ही है, वॉक डिस्टेंस पे है, लेकिन मतलब मॉर्निंग टाइम यहाँ से गाड़ी भी जाती है अपने कॉलेज की तरफ, लेकिन वॉक डिस्टेंस पे है, 5 मिनट लगते हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है सारों, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका जो बॉय हॉस्टल है, ये भी गर्ल्स हॉस्टल है, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है, ये वाली, अब ये बॉयज़ हॉस्टल दिखा रहे हैं उसकी बैक साइड है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है, एक सेकेंड वेट करें, ये हमारे पास ये बॉयज़ हॉस्टल की बैक साइड है, ये भी बैक साइड है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो इसके बॉयज़ के हॉस्टल हैं वो कुछ इन्होंने अपनी इसी बहरे टाउन के अंदर वो ली हुई हैं, कुछ बिल्डिंग्स ली हुई हैं, घर हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, उसमें भी बच्चे रह रहे हैं, समझ आ रही है। तो बाकी इसमें जो अलाइड हेल्थ साइंसेस की भी एडमिशन इसमें होते हैं, और इसका एक ब्रांच खुली है रावलपिंडी में, ठीक है, फार्मेसी कॉलेज के नाम से, और ठोकर पे भी इनके अलाइड हेल्थ साइंसेस का कॉलेज है, तो इसके काफ़ी कॉलेजेस हैं बाकी इसकी ब्रांचेस। और इसके अलावा ये आपको मैंने पहले दिखा दी है, और ये टॉप कॉलेज है, इसकी जो फ़ी है लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 16.5 लाख है, लेकिन इसकी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है, और हमेशा 90+ इसका रिज़ल्ट आता है। और बाकी ये है कि किसी भी वजह से आप परेशान हैं स्टडी रिलेटेड, या आप मेडिकल के किसी भी हवाले से आप लोगों को मसले आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी फर्स्ट ईयर की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मतलब स्टडी रिलेटेड, मतलब जैसा कि बायोकेम है और एनाटमी है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।